बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी का। यानी हम ये डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि टेक्नोलॉजी और फिज़िक्स का क्या रिलेशन है और इन दोनों का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं टेक्नोलॉजी। मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज इन वेरियस फील्ड टू इन्वेंट एंड प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज़ नोन एज टेक्नोलॉजी। कि हम जो है स्टूडेंट्स, अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ों को सॉल्व करना या एक ऐसे मेथड या ऐसे जो है ना हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि हम अपनी आसानी लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है, यानी जो हमने अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं उसको हम इन्वेंट करते हैं, हम उसको टेक्नोलॉजी कर कहते हैं। यानी एक तरीका, एक काम जो है वो हम आसान तरीके से कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये कोई टेक्निक है, कोई तरीका है, तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब स्टूडेंट्स, इस टेक्नोलॉजी का हमारी फिज़िक्स में क्या है, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी का सबसे पहला जो है ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी लाइफ में है कम्युनिकेशन, कि हम जो है ना एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोग ज़रा पहले जाए जो पुरानी लाइफ थी लोगों की, उनके लिए थोड़ा सा और मुश्किल था कि जब वो लोग एक दूसरे से बात करते थे तो कितनी डिफ़िकल्ट जो है ना वो होता था उनके लिए। लेकिन आज के दौर में अगर आप लोग देखें तो आप लोग डिफरेंट जो है ना सेलफ़ोन यूज़ करते हैं, आप जो है वो डिफरेंट ऐप्स इसके लिए आप लोगों ने इंस्टॉल किए हैं, आप उसके तरीके एक दूसरे के साथ जो है ना कम्युनिकेट करते हैं। तो ये तरीका यानी टेक्नोलॉजी कहलाती है कि ये आप लोगों के लिए आसान है। फिर उसके बाद जो है ना आप लोगों का होलोग्राफ है, उसके थ्रू आप थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स जो है उनके आपको जो समझ आ जाती है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों के जो है ना कम्युनिकेशन, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आप लोगों की टेक्नोलॉजी में। फिर दूसरी बात आप लोग लें ट्रांसपोर्ट की, कि ट्रांसपोर्ट में आप लोगों ने देखा कि पहले जब लोग सवारी करते थे, यानी एक तरफ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता था कि वो पहले पैदल जाते थे, उसके बाद फिर डिफरेंट एनिमल्स जिस तरह आप लोगों कैमल हो गए, ऊंट, फिर उसके बाद जो है ना घोड़े, हॉर्स वगैरह, तो ये जब लोग यूज़ करते थे, फिर उसके बाद जो है ना साइकिल, फिर जो है ना टांगे वगैरह, फिर जो है ना इवन के अब आप लोगों ने जो है ना बुलेट ट्रेन डिस्कवर कर लिए, आप लोगों ने वो इन्वेंट कर लिए, आप लोग उसके ऊपर जो है ना सफ़र करते हैं, और फिर जो है ना बात आपकी आ गई है यहाँ पे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, डिफरेंट जो है ना आप लोग बसेज यूज़ करते हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजी के जो है ना आते हैं, ये आपकी जो है ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। फिर यहाँ पर आप मैंने लिखा है कि लॉन्चिंग ऑफ सेटेलाइट्स इनटू स्पेस, कि आप लोग या जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमें ये बताती है कि हम लोगों ने जो है ना स्पेस में कैसे सेटेलाइट जो है वो लॉन्च करने हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। जो आप लोग सेटेलाइट ऊपर भेजते हैं स्पेस में चले जाते हैं, अबाउट वेदर वो आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वक्त में मोबाइल में आपको पता चल जाता है कि कल बारिश होगी या नहीं, उसके इम्कान, उसके चांसेस वगैरह सारे हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेज़र हो गया आप लोगों का, कंप्यूटर हो गया जो आपका सारा डेटा सेव रखता है अपने पास, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना इसकी एप्लीकेशंस है, ठीक है। आप लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, तो ये जो है ना हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस में आ जाती है। उसके बाद मैंने लिखा है जो हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिकल एप्लीकेशंस, कि मेडिकल में आप लोगों ने सीटी स्कैन बनाया है, आप लोग एमआरआई करते हैं, जो है ना लेज़र टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट्स हम अपनी सेहत के लिए हम जो है ना डिफरेंट टेस्ट करते हैं, डिफरेंट मशीनरीज जो है वो है हमारे पास, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम जो है ना अपनी सोसाइटी को और भी जो है ना वो उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करके आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये आज का एक लेक्चर था स्टूडेंट्स के फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने फिज़िक्स की बात की थी, तो वो लेक्चर भी अगर लोग देखना चाहते तो वो है लेक्चर नंबर 1 होगा, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये स्टूडेंट्स एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था कि टेक्नोलॉजी और फिज़िक्स जो है ये कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करती है। तो हर एक चीज़ में स्टूडेंट्स आप लोग जो सोचोगे तो हर एक चीज़ में आपको जो है ना कहीं कोई ना कोई जो है ना आपको फिज़िक्स की कोई जो एप्लीकेशन आपको ज़रूर सामने आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।